हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo Y35 Android मोबाइल फ़ोन में आप जो है इजी टच सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये इजी टच सेटिंग जो है ना, इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा इजी टच, इजी टच पे सिलेक्ट करना है। अब इजी टच के इस पेज में आपको इजी टच के इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन मिलेगा, इस बटन को सिलेक्ट करना है। तो ये सेटिंग आपकी ऑन हो जाएगी, यानी कि सेटिंग इनेबल हो जाएगी। जैसे ही सेटिंग आपकी इनेबल होती है ना, तो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एक इजी टच का एक शॉर्टकट बटन आपको फ्लोट करता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से शो हो जाएगा शॉर्टकट बटन इजी टच का। तो अब इस सेटिंग को यूज कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, इजी टच सेटिंग को अपना इनेबल करके आप इस सेटिंग को किसी भी जगह, किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी पेज पे, सभी जगह यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है, देखिए मैं एग्जांपल के लिए अपने मोबाइल फोन का कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए शॉर्टकट बटन इजी टच का जो फ्लोट कर रहा है ना, इसे आपको एक बार टैप करना है। एक बार दबाएंगे तो आपका इस तरीके से पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको काफी सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, नीचे की साइड आपको एप्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये एप्स का ऑप्शन किसी भी ऐप पे अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो वो ऐप आपका डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। अगर आप ऊपर में से किसी भी ऑप्शन को अगर आप टैप करेंगे तो वो ऑप्शन अपना काम करेगा। जैसे देखिए मैं फ्लैश लाइट पर सिलेक्ट करता हूँ, तो ये मेरे मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो गई है। अब मैं फ्लैश लाइट पर दोबारा सेलेक्ट करूंगा तो ये फ्लैश लाइट बंद हो गई है। ठीक है, तो ये इजी टच सेटिंग ना इनेबल करके आप इसे किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके फोन में। इसके लिए मोबाइल फोन का आपको सेटिंग पेज आपको फिर से ओपन करना है। ठीक है, इसके ऊपर सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन आपको मिलेगा, इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है इजी टच। ठीक है, इस तरीके से तो आपको नीचे ये ऑप्शन शो होगा इजी टच का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया सेटिंग को ढूंढने का।